ओनली फॉर टीएमसी, एकदम टीएमसी, ओनली फॉर टीएमसी, टीएमसी बीजेपी मेहनत कर रही है, कहाँ मेहनत कर रही है, नहीं मतलब ममता दीदी भी मामले में मेहनत कर रही है, दीदी मेहनत कर रही है, दीदी मेहनत कर रही है, बीजेपी ने माहौल इतना सारा वादा किया आप लोगों को नहीं चाहिए फ्री में, क्या वादा, सब झूठा वादा है। इस बार तो भैया परिवर्तन तय है, परिवर्तन मतलब परिवर्तन मैंने मोदी जी आ रहे हैं इस बार, मोदी जी आ रहे हैं, तो दीदी आ रही है और क्या हो, दीदी आ रही है, अच्छा मन में दीदी है, मन में का दीदी है ही है, दीदी कर ही रही है, अच्छा ये बीजेपी वाले का बुद्धि भ्रष्ट हो गया, कैसे पत्रकार बंधुओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं, कैसे कैसे, इसलिए कि पत्रकार बंधुओं को भी लांछन लगाया जा रहा है कि ये लोग जो है सिर्फ टीएमसी का होगा, टीएमसी का होगा नहीं करे, जो सच्चाई है वही दिखा रहे पत्रकार। न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। बंगाल में चौथे चरण का चुनाव चालू है, ठीक हमारे पीछे वोट की प्रक्रिया चालू है, पोलिंग बूथ और यहां पर वोट देकर निकले हैं बाहर लोग, उनसे बातें करेंगे, जानेंगे कि मन में क्या है, मिजाज में क्या है, क्या सोच रहे हैं ये भाई लोग, चलिए जानते हैं। जी भैया मन में क्या है? ओनली फॉर टीएमसी, एकदम टीएमसी, ओनली फॉर टीएमसी, सब तो बीजेपी, बीजेपी खेला होबे, खेला होबे, सबसे सबसे बड़ा बात है हमारे उत्तर हावड़ा में हमारे भूमिपुत्र श्री गौतम चौधरी यहाँ से खड़ा हुआ है, अच्छा। जो कि बहुत ही जमीनी स्तर का नेता है, अच्छा। और कम से कम 45,000 से 50,000 वोट से जीतेगा, उसकी उसके मुकाबले कोई नहीं है, अच्छा। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है जी। तो मतलब क्या ऐसा क्या होगा कि खेला हो जाएगा, बीजेपी खेला नहीं कर सकता? सबसे बड़ा बात है 10 साल के अंदर आई रोड का अवस्था देख लीजिए, लाइट का अवस्था देख लीजिए, पानी सब कुछ तो दिया हुआ दीदी, और क्या करेगी बीजेपी, कहती है कि कीचड़ बना दिया है, कुछ नहीं कुछ नहीं, वो लोगों का सिर्फ हवा है, 2 तारीख को जो बेलू में फूट जाएगा, बोले 2 मई दीदी गई, अरे 2 मई अब देखिएगा 240 से 245 से टीएमसी लेकर सरकार बना रहा है, अरे वो लोग बोल रहे हैं 200 पार, वो लोग का बेलूम 2 तारीख को फूट गया, फूट जाएगा, 240 से 245 सीट दीदी लेकर सरकार, बाकी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ेगा, अजय बाकी दूसरों के लिए कुछ नहीं छोड़ेगा, दूसरा कोई काजी काम ही नहीं किया तो क्या छोड़े हम लोग, अच्छा। लोगों के लिए दीदी 24 घंटा हम लोगों के लिए काम कर रही है, कन्याश्री रूपोश्री सभी के लिए, बच्चों के लिए, महिलाएं वोट करेंगी 100%, आज जो महिलाएं एकदम लाइन पे कतार पे कतार खड़ी है, सिर्फ टेम से सिर्फ दीदी, नहीं नहीं 800-400 रुपया का गैस 4 साल के अंदर 850 रुपया हो गया, 41 रुपया का पेट्रोल डीजल आज 90 रुपया हो गया, तो कौन वोट करेगा बीजेपी को, वन साइड खेला हो बे, खेला हो बे, क्या क्या होगा, खेला हो बे, परिवर्तन हो बे, क्या होगा, खेला होगा, खेला होगा, बीजेपी, बीजेपी नहीं, बीजेपी भी तो मेहनत कर रही है, टीएमसी, बीजेपी मेहनत कर रही है, कहाँ मेहनत कर रही है, नहीं मतलब ममता दीदी भी मामले में मेहनत कर रही है, दीदी मेहनत कर रही है, दीदी मेहनत कर रही है, बीजेपी ने माहौल इतना सारा वादा किया आप लोगों को नहीं चाहिए फ्री में, क्या वादा, सब झूठा वादा, कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं, काला धन लाएगा तो अकाउंट में रुपया आएगा, कहाँ आज तक रुपया आया, सब खा गया, सबको बांट दिया, खा गया सब, अमित शाह पूरा खा गया रुपया, वो पुराना चोर, हम लोग का दीदी है, दीदी रहेगा हम लोग का, फ्री वादा किया कि पीजी से कई केजी से लेके पीजी तक का शिक्षा फ्री देंगे लड़कियों को, नहीं वो उनको हो सकता है, कुछ नहीं मिलेगा, सब आदमी बोलता बहुत कुछ लेकिन करता कुछ नहीं, अच्छा यही है राजनीति, किसका नाम है, अच्छा। राजनीति को अच्छा से बना हुआ, अरे एक चीज बताइए, राजनीति को अच्छा से बना है, ये बताइए आप, आप अच्छा, तो हम, आप एडिटर हो, आप बताओ मेरे को, जनरल नॉलेज पे नहीं जाते हैं हम, जो आपसे पूछ रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं, दीदी काहे परेशान हो जाती है, जैसे परेशान कहा दीदी, सही बात तो है, आदमी लोग सही नहीं इसलिए इसीलिए दीदी परेशान है, आदमी लोग सही रहने से तब दीदी काहे परेशान होगा, अच्छा परेशान कोई नहीं, हिंदू 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 है ना, हाँ। हिंदू है ना, आप हिंदू है, हिंदू है, हाँ। तो हिंदू का बात करेंगे ना, अच्छा तो जय श्री राम बोले तो कोई खराब नहीं ना बात है, अच्छा तो जय श्री राम बोलता है उसको हम लोग दीदी हमारा गुस्सा हो जाती है, क्यों गुस्सा होती है, उनको अच्छा नहीं लगता है, क्यों पूरा नाम नहीं लेती है, पूरा नाम लेना, हाँ पूरा नाम क्या, जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम, क्या बोले, जय श्री राम बोलने से कोई बोलता है, मंदिर में पूजा करेंगे ना, जाके पूजा करेंगे तो मंदिर में जाकर ना पूजा करेंगे, हम अपना रास्ते में बोलते चलेंगे, हर रास्ते में तो आप लोगों को मतलब ये नहीं लगता, लोग बोलते हैं कि दीदी राम के नाम से बमक जाते, नहीं बमकती है, इच्छा उसका आदमी बम खा दे रहा उसको, अच्छा अब आप एक भैंस को बार बार ईटा मारिएगा तो भैंस के आपको दूध देगा, आपको तो मरबे करेगा घूम के, अच्छा तब परेशान, क्या लगता है भैया इस बार क्या होगा, इस बार तो भैया परिवर्तन तय है, परिवर्तन मतलब
परिवर्तन मैंने मोदी जी आ रहे हैं इस बार। मोदी जी आ रहे हैं पक्का? युवा जो है ना मोदी जी के साथ में। अच्छा, युवा जो वोटर है हमारा हावड़ा का, जो मोदी जी का कर रहा है। अच्छा, मोदी ऐसा ऐसा यहाँ का माहौल बन रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है। जी भैया, क्या लगता है इस बार क्या होगा, बताइए बताइए। तो दीदी आ रही है और क्या होगा, दीदी आ रही है। अच्छा, मन में दीदी है? मन में का दीदी है ही है, दीदी कर ही रही है। अच्छा, अब बीजेपी है सेंट्रल में तो बीजेपी, मोदी जी आए हैं, बड़ा मेहनत किया, अमित शाह भी रैली करके। दीदी मेहनत नहीं कर रही है, दीदी आज 15 साल से मेहनत ही ना कर रही हो, बंगाल को इतना, बंगाल में जो भी विकास हुआ दीदी ना किए। अच्छा, मोदी जी आगे मोदी जी कहते हैं कीचड़ फैला दिया, कीचड़ बना दिया, कीचड़ फैला, यही कमल खिलेगा, मिला है वो, लेकिन दीदी आ रही है। दीदी आ रही है, श्योर है आप लोग? जो नारद दिया गया 2 मई दीदी गई, अब बोलने दीजिए विपक्ष है बोलेगा ही। अच्छा, हाँ क्या लगता है बता, चुप रहिएगा जी, बोलिए। हाँ जी, क्या लगता है इस बार क्या ये बीजेपी वाले का बुद्धि भ्रष्ट हो गया? कैसे? पत्रकार बंधुओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कैसे कैसे? इसलिए कि पत्रकार बंधुओं को भी लांछन लगाया जा रहा है कि ये लोग जो है सिर्फ टीएमसी का होगा, टीएमसी का होगा नहीं करे, जो सच्चाई है वही दिखा रहे पत्रकार बंधु। और हम पत्रकार बंधु को सैल्यूट करते कि हमारी दीदी की जितनी काम की प्रशंसा की जाए कम है, वो लोग सामने रखते समाज का आईना ये पत्रकार बंधु है। और दीदी का सारा काम ये लोग समाज को दिखाते हैं कि देखिए ये है सच्चाई, ये है आईना, दीदी का सारा काम। तो दीदी ने काम किया है? जी बिल्कुल। किस विषय पर आप जानना चाहते हैं, बोले एक विषय आप उठा के देखिए। जो बाकी जगह पे हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा ऊपर नीचे वो सब बंगाल में है, पोलराइजेशन है, ध्रुवीकरण की राजनीतिक है, इस पर ध्यान मत दीजिए। और ध्यान इस पर दीजिए कि हम आम लोग को क्या सुविधा चाहिए। आम लोग को सुविधा चाहिए सड़क, बिजली, पानी, ट्रैफिक व्यवस्था, आइन श्रृंखला, ये सब दुरुस्त रहना चाहिए। सारा दुरुस्त है, सारा दुरुस्त है जी, सब सही है जी, बिल्कुल सही है, सब सही है। हाँ सब सही है, सब सही है। तो देखिए ये हावड़ा है, हावड़ा ब्रिज बड़ा फेमस है, रेलवे स्टेशन ठीक हमारे पीछे, हावड़ा ब्रिज ठीक हमारे राइट साइड में, शायद आपको स्क्रीन पर ना दिखे मगर बस 100 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर आए, जानने की कोशिश की कि मन में क्या है, खेला होबे परिवर्तन होबे फोर्थ फेज में, लोगों ने अपनी राय रख दी। आप भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत